हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर स्टडिंग द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर। टू पार्ट्स में हम इसको पढ़ चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि एक बच्चा मेले में जाता है और मेले में वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर आकर्षित हो जाता है, लेकिन अब वह एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ उसे उसके माता पिता नहीं मिल रहे हैं, यानी वो गुम हो गया है। आइए स्टार्ट करते हैं, क्या स्टोरी है। देर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ उसे कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो फिर दूसरी तरफ मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसने फिर पीछे मुड़कर देखा, वहाँ भी उनका कोई निशान नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, ड्राई थ्रोट मतलब सूखे गले से उसने क्या किया, एक क्राई रोज यानी डीप क्राई रोज मतलब बहुत गहरी चीख मारी बच्चे ने जब उसको माता पिता नहीं मिले। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अपने बॉडी को एकदम से जर्क देकर, झटका देकर, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहाँ से दौड़ पड़ा जहाँ वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, यानी बहुत ही डर में चिल्लाते हुए, मदर फादर, अपने माता पिता को पुकार रहा है वो, मदर फादर। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आँखों से आंसू बह निकले। हॉट एंड फेरस, हॉट एंड फेरस मीन्स उत्तेजित होना, और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गया। हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, फ्लस्ड होता है लाली से भरा हुआ। ये वर्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ पर ऊपर भी राइट कर दिया है, आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करेंगे। फ्लस्ड मीन लाली से भरा हुआ उसका चेहरा, वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, वो डर के मारे कांपने लगा, कन्वल्स्ड मीन्स कांपना। पैनिक स्ट्रिकन, और वो बड़ा ही भयभीत हो गया, पैनिक होता है भय। ही रैन टू वन फास्ट वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ दौड़ा, देन टू अदर, फिर दूसरी तरफ, हिधर एंड थिधर, हिधर एंड थिधर मतलब यहाँ और वहाँ या इधर उधर, इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में, नोइंग नॉट वेयर टू गो, और उसे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है। मदर फादर, ही वेल्ड, रोने लगा, चिल्लाने लगा, मदर फादर। हिज येल्लो टर्बन कम अनटाइंड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, जो उसकी येल्लो टर्बन थी, टर्बन होता है पगड़ी, जो उसने पगड़ी बांधी हुई थी वो खुल गई और उसके कपड़े गंदे हो गए, मडी होता गंदा। हैविंग रन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी तरफ जाना और फिर वापस वहीं पर आ जाना, यानी वो बच्चा दौड़ता है, कभी इधर जाता है फिर वापस उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। इन अ रेज, रेज होता गुस्सा, ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए दौड़ा। ही स्टूड डिफीटेड, और थक कर, डिफीटेड मतलब हार कर या थक कर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इन टू सोब्स, और उसकी जो चीखें थी वो सुबकियों में बदल गई। एट लिटल डिस्टेंसेज, थोड़ी सी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, वो हरी घास देख सकता था। थ्रो हिज फिल्मी आइज, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, जहाँ पर आदमी और औरतें बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंसली अमंग द पैचिज ऑफ ब्राइट येल्लो क्लॉथ्स, उसने प्रयास किया क्या देखने के लिए, टू इंटेंसली बड़े ही ध्यान से, अमंग द पैचिज ऑफ ब्राइट येल्लो क्लॉथ्स, जो चमकदार पीले पीले वस्त्र थे उनके ऊपर जो पैच लगे हुए थे उनकी तरफ देखने का उसने प्रयास किया। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उसको उसके माता पिता नहीं दिखाई दिए। वो येल्लो क्लोथ्स की तरफ क्यों देख रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने शायद येल्लो कपड़े डाले हुए थे। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, इसका मतलब है कि वो उन लोगों को देख रहा था जो लोग हंस रहे थे, लेकिन किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, यानी कि बेवजह ही लोग हंस और बातें कर रहे थे।
ही रैन क्विकली अगेन, वो जल्दी से दोबारा फिर दौड़ा, दिस टाइम टू अ श्राइन, श्राइन होता है मंदिर, तो वो मंदिर की तरफ गया, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड थी, भीड़ थी, एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड, कंजेस्टेड होती है भीड़, क्राउडिंग में भीड़ होता है और कंजेस्टेड भी भीड़, विद मैन बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों के टांगों के बीच में से दौड़ा, हिज लिटल सोब लिंगरिंग, सोब होती है सुबकियाँ, लिंगरिंग मतलब देर तक ठहरती हुई, अब वो देर देर तक सुबकने लगा, मदर फादर माताजी पिताजी, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के एंट्रेंस पर मेन गेट पर, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अब भीड़ और भी ज़्यादा हो गई, मैन जोस्टल्ड ईच अदर, जोस्टल होता है धक्का मुक्की करना, जोस्टल क्या होता है धक्का मुक्की करना, वहाँ पर लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, हैवी मैन भारी भरकम आदमी, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और उनकी आइज कैसी थी, चमकदार और मर्डरस, हिंसक, हिंसा से भरी हुई, एंड हेफ्टी शोल्डर्स, हेफ्टी होता है मोटे ताजे, पुष्ट कंधों वाले, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फिट, लेकिन वो बच्चा स्ट्रगल करता रहा उनके उनके फिट, उनके पाँवों में से रास्ता लेने के लिए, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स, ब्रूटल होता है पाशविक, पशुओं जैसी प्रवृत्ति, लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी थी, लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, और टू एंड फ्रो होता रहा, जितना बेचारा आगे जाता उतना ही फिर पीछे आ जाता, क्योंकि टू एंड फ्रो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, टू एंड फ्रो का मतलब होता है एक जगह से थोड़ी दूर जाना और वापस फिर वहीं आ जाना, ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड अंडर फुट, शायद वो तो ट्रेम्पल होता है कुचलना, वो पाँवों के बीच कुचला जाता, हैड ही नोट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अब वो चीख भी नहीं पा रहा था हाइएस्ट वॉइस में, फादर मदर अ मैन इज इन द सर्जिंग क्राउड, उस उमड़ती हुई, सर्जिंग होता है उमड़ना, उस उमड़ती हुई या बहुत ज़्यादा, उस बहुत ज़्यादा भीड़ में से हार्ड हिज क्राई, एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी, एंड स्टूपिंग, स्टूपिंग होता है झुकना, विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी मुश्किल से वो नीचे झुका, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस आदमी ने उसको बाहों में उठा लिया, हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे आप यहाँ कैसे आए, हुज बेबी आर यू, ये किसका बच्चा है, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मास होती है भीड़, उस आदमी ने ऐसे किया स्टीयर क्लियर, मतलब स्टीयर मतलब होता है रास्ता बनाना, जैसे कि उस आदमी ने भीड़ में से रास्ता बनाया हो, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा, देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और सिर्फ एक ही बात पुकार रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, द मैन ट्राइड टू शूथ, शूथ होता है शांत करना, उस आदमी ने उसको प्रयास किया, सॉरी उस आदमी ने उसको शांत करने का प्रयास किया, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो उसको कहाँ पर लेकर गया, राउंड अबाउट, राउंड अबाउट क्या होता है, घुमावदार झूला, जिसके लिए बच्चा पहले जिद कर रहा था, वो उसे उसकी तरफ लेकर गया, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या आप घोड़े पर सवारी करोगे, ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़े ही प्यार से, जेंटली होता है प्यार से, एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे कि उसने एक घंटी बजाई हो, यानी कि इतने कोमल आवाज में वो बोला, द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इन टू अ थाउजेंड श्रील सोब्स एंड ही ओनली शाउटेड, लेकिन बच्चे का तो गला जो है टोर इन टू अ थाउजेंड श्रील सोब्स, यानी सुबकियों से बच्चा चिल्लाने लगा और सिर्फ बोल रहा था आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, यानी अब बच्चे को उन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट नहीं, आगे चलते हैं, द मैन हिडिड टुवार्ड्स द प्लेस, अब वो आदमी आगे की तरफ बढ़ा, हिड मीन्स आगे बढ़ा, वेयर द स्नेक चार्मर, जहाँ पर वो सपेरा, स्नेक चार्मर होता है सपेरा, स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, अभी भी अपनी बीन से, टू द स्वेइंग कोबरा, वहाँ पर भी वो सपेरा बीन बजा रहा था, और वहाँ पर जो कोबरा है वो नागराज था, उसको स्वे करा रहा था, स्वे मतलब झूमना, वो नाग झूम रहा था, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, और उस आदमी ने उस बच्चे को कहा, बच्चे प्यारी आवाज़ सुनो, ये म्यूजिक सुनो, ही प्लेडिड, प्लेड होता है प्रार्थना करना, उसने प्रार्थना की, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने तो क्या कर लिया, अपनी आंखों में अपने कानों में फिंगर्स डाल ली, एंड शाउटेड हिज डबल पीस्ड स्ट्रेन, डबल पीस्ड स्ट्रेन मतलब
दोगुनी आवाज में वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। अब वो आदमी उसको बैलून्स वाले के पास लेकर गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, ये सोचकर कि शायद बैलून्स के ब्राइट कलर से वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, कि वो उसका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, हट जाएगा। एंड क्विंटन हिम, और वो शांत हो जाएगा। क्विंटन होता है शांत। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या आप रेनबो कलर का बैलून लेना चाहोगे। ही परस्युएसिवली आस्क्ड, परस्युएसिवली होता है बड़े ही प्यार से, उसने उसे बड़े ही प्यार से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड, बच्चे ने वहाँ से भी ध्यान हटा लिया और सिर्फ सुबकने लगा और कहता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। यानी बच्चे को अब जिन चीज़ों के लिए वो जिद लेने के लिए जिद कर रहा था, अब उनके लिए उनका कोई मोल नहीं रहा था। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी वो आदमी उस बच्चे को चुप करने आने का प्रयास कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वो उसे वहाँ पर लेकर गया जहाँ एक फूलों वाला बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या आप इन प्यारे फूलों की सुगंध ले सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या आपके गले में मैं एक हार डाल दूँ। बट द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, लेकिन उसने टोकरी से अपनी नाक को वहीं से घुमा लिया, यानी उनकी तरफ देखा भी नहीं। एंड रिट्रेटेड हिज सोब, और दोबारा फिर सुबकने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर, ह्यूमर होता है खुश करना। अब उस बच्चे को खुश करने के लिए हिज डिसकॉन्सोलेट, डिसकॉन्सोलेट होता है दुख, यानी चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो उसको स्वीट शॉप के काउंटर पर लेकर गया। वट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, अरे बच्चे आप कौन सी मिठाई खाना पसंद करेंगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, वहाँ से भी बच्चे ने अपना मुँह फेर लिया और सिर्फ सुबक सुबक कर यही कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो ये थी स्टोरी। पहले बच्चा उन चीज़ों को लेने के लिए बड़ा ही उत्सुक था, लेकिन जब उसके माता पिता गुम हो गए, बच्चे को उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा। ये थी स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, दैट इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।